नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। दोस्तों, अगर जीवन में समस्याएं हैं तो समाधान भी आपके पास है, आपके हाथ में है, बस ज़रूरत है तो एक पहल की। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ईश्वर आप सबकी मदद करें, आप सभी के कष्टों को दूर करें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। हाजिर हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल अर्भजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आए। दोस्तों, जीवन में परेशानियाँ सभी के होती हैं। आप अगर निराश हैं, हताश हैं, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, बच्चों को शिक्षा में परेशानियाँ हो रही हैं या शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप बहुत अधिक बीमार हैं या आपके पेरेंट्स बहुत अधिक बीमार हैं, धन हानि निरंतर हो रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, विवाह नहीं हो रहे बच्चों के, आप परेशान हैं कि किस तरह से इस स्थिति से बाहर निकलें। दोस्तों, जो हमारे जन्मांक के 9 ग्रह हैं, इनमें से जब भी उस क्षेत्र से संबंधित भाव पीड़ित हो जाता है, उस क्षेत्र से संबंधित ग्रह पीड़ित हो जाता है, उससे मिलने वाली सारी पीड़ाएं हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। वो आपके साथ आती तो हैं, वो बच्चों के भाग्य में भी वही सब होने लगता है, आपकी पत्नी के भाग्य में भी वही होने लगता है, माता पिता के भाग्य में भी वही सब होने लगता है। इसीलिए पूरे परिवार की जब दशाएं ख़राब चलने लगती हैं दोस्तों, तो ऐसा लगता है जैसे परेशानियों ने सिर्फ और सिर्फ हमारे घर का रास्ता देख लिया है, खुशियाँ हमारे जीवन में आना ही भूल गई हैं। इसीलिए मैं दोस्तों आपको नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, डेली इन्हें तैयार करती हूँ, मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं घंटों घंटों पूजा कर सके, पैसे नहीं हैं महंगे महंगे रत्न पहन सके और अपनी समस्याओं से बाहर निकल सके। ना जन्मांक का पता है, ना राशि का पता है, और भी कुछ नहीं पता है कि किस तरह से अपने ग्रहों को ठीक किया जा सकता है। तो क्यों ना मात्र 1-1 मिनट के मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आप करके देखिए। ये आपको आपकी समस्याओं से निकालने में 100% सक्षम है। ये आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकाल देंगे, आपको आपकी समस्याओं के हल मिलने लगेंगे, मार्ग दिखने लगेंगे, 9 ग्रह आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी। बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, एक बार आप आजमाइए तो ज़रूर। मैं ये आपको प्रयोग देती हूँ, बहुत सारे लोग इनको कर रहे हैं जो मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि इससे उन्हें कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो एक पहल आप भी कीजिए, आप अपनी परेशानियों से निकलने के लिए इनको आजमाइएगा जरूर। 27 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार, आज सिद्ध योग है, मंगलवार है, हनुमान जयंती है, हनुमान बाबा का बर्थडे है, पूर्णिमा तिथि है। इस पावन दिन पर आप कोई भी प्रयोग कर लीजिए, वो आपका फलीभूत होगा। आपकी कोई भी समस्या हो, मैं अपना दूसरा वीडियो जो डालती हूँ वो आज मैंने हनुमान जयंती के ऊपर ही डाला हुआ है, उसमें मेरे 2-3 प्रयोग हैं, आप उनमें से जो भी आपको सही लगे, जो सरल लगे, उसे कर लीजिए। आपके जीवन की समस्याओं को बाबा तुरंत दूर करेंगे, हनुमान बाबा चमत्कारी रूप से आपके उस समस्या को दूर कर देंगे। तो उन प्रयोग को आप ज़रूर देख लीजिएगा, मेरे वीडियो को। मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के दोनों वीडियो आपको मिलते रहें, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी पे समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। आज का राहु काल है 3:41 से 5:14 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:16 से 12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज आप बजरंगबली की पूजा करने जा रहे हैं, इस समय को चुनिए, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी हर इच्छा मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। आज की अमृत की बूंद में आपको अपने नहाने के पानी में 2 चुटकी लाल चंदन पाउडर आपको डालकर नहाना है। अब दोस्तों, आपके यहाँ लाल चंदन पाउडर नहीं है तो आप गुलाब जल डालकर भी नहा सकते हैं, गुलाब जल डालकर नहाइए। और एक अगर आपको पीपल का पत्ता मिल जाता है या तुलसी का पत्ता मिल जाता है तो हनुमान जी को जरूर अर्पित कर दीजिए। तुलसी के पत्ते को हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, अगर पीपल का पत्ता मिलता है तो उस पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए।
अपनी वह मनोकामना भी उस समय बोल दीजिए, आपकी वो मनोकामना हाथों हाथ पूरी हो जाएगी। इतना दिव्य दिन है आज का। आज का जादुई अक्षर है रमा वाला रा। तो इस तरह से रमा वाला रा आर, इस शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख छोड़ दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका रा ही होना चाहिए। आज का ये जादुई अक्षर आपको धन संबंधित सारी समस्याओं का आपका निराकरण कर देगा। आपको धन चाहिए ये शब्द आपको दिलाने में सक्षम है, तो शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों। माता माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिल जाएगी। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वह शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, व्हाइट कलर के पेपर पर 9 नंबर यानी 9 का अंक लिखिए, 9 का नंबर लिखिए, चुटकी भर उसमें लाल चंदन पाउडर बांधिए। अगर लाल चंदन पाउडर नहीं है तो पूजा वाली कुमकुम बांधिए और इसको फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। बच्चे अपने स्कूल बैग में रखेंगे, ये अंक उनको वर्ष वर्ष सत्ता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिख दीजिए। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है, तो जरूर लिखिए, शेयर करिए अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया पर। मुझसे आप किसी ज्योतिष समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। अब मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। इसके साथ ही मेरा दूसरा वीडियो जो कि हनुमान जयंती के ऊपर है, उसको भी आप देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।